लाहौर में 22 पेट्रोल पंप्स की नीलामी। एलडीए एक माह में नीलामी का अमल मुकम्मल करे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इश्तिहार दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उमर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी उमर शाकिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी लाहौर में एलडीए के 22 पेट्रोल पंप को सियासी असर रसूख की बुनियाद पर नीलाम करने से मुतल्लिक लाहौर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाप्त हुई थी। उससे मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एलडीए एक माह में पेट्रोल पंप की नीलामी का अमल मुकम्मल करे। मजीद इस हुक्म में कहा गया है कि एलडीए लाहौर के पेट्रोल पंप की नीलामी के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इश्तहारात थे। तहरीरी हुक्म में यह भी वाजह किया गया है कि अदालती मंजूरी के लिए एलडीए पेट्रोल पंप की सबसे ज्यादा बुरी लगाने वाले अफराद की तमाम तर तफसीलात अदालत में पेश करे और अदालत इस नीलामी से मुतलिक एलडीए जो है वो अदालत से इस मामले पर मंजूरी ले। तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि एलडीए के मुताबिक लीज पर दिए जाने वाले पेट्रोल पंप से मुतलिक मुआवजा 3 साल का होगा और मुआवजे की सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शुक्रिया उमर शाकिर आपका।